महाराजा हरिश्चंद महाविद्यालय मुरादाबाद के शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विभाग के तत्वावधान में महाविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। दो दिवसीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ प्रबंधक काव्य सौरभ रस्तोगी, प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता और शारीरिक शिक्षा विभाग प्रभारी मनीष भट्ट ने किया। उद्घाटन अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक काव्य सौरभ रस्तोगी ने बोलते हुए कहा कि इस प्रकार की खेलकूद से जुड़ी प्रतियोगिता छात्र छात्राओं के बीच स्वस्थ स्पर्धा की भावना को बढ़ावा देती है और उन्हें आगे बढ़कर बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अतिथि विशेष के रूप में पधारे महाविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर विश्व अवतार जैमनी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को महाविद्यालय की ऐसी आंतरिक प्रतियोगिताओं में अवश्य भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा, महाविद्यालय के वार्षिक खेल छात्र छात्राओं में खेल भावना को विकसित करने के साथ साथ आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने में सहायक होते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने सभी छात्र छात्राओं को इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता ने की और संचालन डॉक्टर मुकेश चंद्र गुप्ता ने किया। आभार अभिव्यक्ति हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना कौल के द्वारा किया गया। इन खेलों का आयोजन और संयोजन शारीरिक शिक्षा विभाग प्रभारी मनीष भट्ट के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर मधुबाला सक्सेना, डॉक्टर मीना कौल, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर रवीश कुमार, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, अजीत दीक्षित, डॉक्टर असमा अजीज, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, डॉक्टर संगीता गुप्ता के साथ और भी शिक्षक उपस्थित रहे। क्या आज महाराजा हरिश्चंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरादाबाद में 2017 और 2018 सत्र की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का दो दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम का उद्घाटन है वो महाविद्यालय के प्रबंधक आदरणीय काव्य सौरभ रस्तोगी जी ने किया और इसका जो पूरा आयोजन है वो शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रभारी मनीष भट्ट कर रहे हैं। तो इसका केवल तात्पर्य है कि वर्ष भर में जो भी खेलों में लड़के लड़कियों ने, छात्र छात्राओं ने अभ्यास किया है वो किस प्रकार से उनकी प्रतिभा को दो दिवसीय प्लेटफॉर्म दिया जाए। इसका तात्पर्य अपनी पढ़ाई के साथ में पाठ्येतर गतिविधि, खासतौर पर खेल की गतिविधियों को बढ़ाने का तात्पर्य है कि जहाँ बच्चों के शरीर स्वास्थ्य, मन, वचन, कर्म और उनका व्यक्तित्व का विकास होता है, वहीं उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। तो महाराजा हरिश्चंद महाविद्यालय चूंकि इतिहास है कि यहाँ पर पाठ्येतर गतिविधि हमेशा बहुत प्रभावी रूप में संपन्न होती रही हैं, तो पिछले सालों में जिस प्रकार से यहाँ इस महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, इस बार भी दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इसमें छात्र छात्राओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। 100 मीटर है रेस में, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 800 मीटर है, 1500 मीटर है, कैरम है, कबड्डी है, भाला फेंक है, डिस्कस थ्रो है, तो कई ऐसी तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि यहाँ की प्रतिभाएं अगर यहाँ फिल्टर होकर यहाँ कॉलेज में हमारे पास अगर आ जाती हैं तो इसके बाद फिर हमको विश्वविद्यालय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भेजने में बहुत सुलभता हो जाएगी। तो बहुत खुशनुमा माहौल में यहाँ पर आज प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित की जा रही हैं जिसके परिणाम शाम तक आ जाएंगे और एक नया वार्षिक उत्सव करके हम उसमें सभी बच्चों को पुरस्कार देंगे। एक खास बात यह भी है कि इस बार 2017-18 के सत्र में हमारे महाविद्यालय में क्रिकेट की टीम पूरे विश्वविद्यालय में विजेता रही है, तो ये इतिहास में पहली बार है कि शारीरिक शिक्षा विभाग पूरे मनोयोग से अपने कार्य को अंजाम दे रहा है और बढ़िया खेलों की प्रतिभाएं महाराजा हरिश्चंद महाविद्यालय में उभर कर आ रही हैं जिनको हम प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर हम भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।